हे फ्रेंड्स, डेफिन एक्सप्लेन चैनल पे आप सबको स्वागत है। आप लोग हम लोग का वीडियो देखते रहिए, हम लोग का साथ में बने रहिए, आपको आगे चल के डिटेल्स दिया जाएगा। आज का प्रोडक्ट अमेजोन से ख़रीदा हुआ है, वो प्रोडक्ट टेक्निकल गैजेट है, आप लोग को आगे चल के ये वीडियो का डिटेल्स दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखते हैं आज अमेजोन इन पैकेट पे क्या है नहीं है, क्या गैजेट है, आप लोग को सबको दिखाएंगे, आप लोग को शेयर करेंगे। देखते रहिए वीडियो। आज का गैजेट है बोया का माइक्रोफोन, इसका मॉडल है बाई MM1। तो आगे चल के आपको ये प्रोडक्ट का डिटेल्स में बताएंगे, तब तक आप लोग देखते रहिए, हम लोग का साथ बने रहिए। कैसा है नहीं है बोया का ये माइक्रोफोन, आप लोग को डिटेल्स में दिया जाएगा, आप लोग हम लोग का साथ बने रहिए। फ्रेंड्स प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स का अंदर गैजेट का क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हम लोग आगे चल के देखते हैं। फ्रेंड्स आप सब देख रहे हैं प्रोडक्ट को अनबॉक्स किया गया है, बॉक्स का अंदर क्या क्या दिया है नहीं है डिटेल्स में बताएंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम लोग का साथ दीजिए, आप लोग देखते रहिए। तो क्या क्या नहीं है नहीं है सब गैजेट का, हर एक पार्ट्स का बारे में आप लोग को डिटेल्स में आगे चल के बताया जाएगा, हम लोग का वीडियो का साथ बने रहिए। आप लोग देख रहे हैं बॉक्स के अंदर बहुत सुंदर से पैकिंग किया हुआ गैजेट से। दोस्तों ये है असली माइक्रोफोन बोया का, जिसका ऊपर प्रोफेशनल फ्यूरी वाइन सील दिया गया है, यह प्रोटेक्ट करता है बाहर का नॉइस को, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, और
यह माइक्रोफोन बहुत यूज़फुल है, तो आप लोग भी ये आप लोग यूज़ करके देखिए कैसे क्या होता है। मेरे लिए सही लगा तो मैं भी खरीदी हूँ। चलिए आगे चल के आप लोग देखते रहिए वीडियो। आप लोग को और दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैकेट है, शॉक माउंट है, ये शॉक माउंट आप लोग को दिखा रहे हैं। ये फ़ोन में या कैमरा में आप स्टैंड निकल के माइक्रोफोन को लगा सकते हैं। और 3.5 mm ऑडियो जैकेट है और 3.5 ऑडियो आउटपुट केबल, 3.5 mm टू TRS ऑडियो आउटपुट केबल, 3.5 mm टू TRS ऑडियो आउटपुट केबल है, जो कि 3.5 mm TRS कनेक्टर और स्मार्टफोन टैबलेट के लिए ये यूज़ किया जाता है। और 3.5 mm TRS कनेक्टर जो कैमरा कैमकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। ये है 3.5 mm ऑडियो जैकेट जो कि लेदर का है, तो आप इसके अंदर पाउच के अंदर आप अपने गैजेट्स का हर एक पार्ट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हम लोग इस पे डाल रहे हैं माइक्रोफोन, पूरी वाइन सेट और डाल रहे हैं 3.5 mm TRS कनेक्टर और डाल रहे हैं शॉक माउंट और डाल रहे हैं 3.5 mm TRS कनेक्टर। तो ये पाउच को ऐसे रस्सी को खींच के मुँह बंद करके चलिए चलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो आप सब हम लोग का वीडियो में बने रहिए, कैसे लगा आप लोग को हम लोग का वीडियो आप लोग बताते रहिए। हाउस लुक फ्रेंड, कैसे लगा बताइए। आप लोग को भी अच्छा लगे तो आप लोग खरीदें, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए वीडियो किया गया है, आप लोग को दिखाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पहले ही बताया गया ये माइक्रोफोन है, उसके साथ है फ्यूरी पॉइंट सीट और ये है शॉक माउंट है रेड कलर का, जो ये माइक्रोफोन को होल्ड करता है आपका कैमरा में या आपका फोन कैमरा में। जब हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो करते हैं, तो माइक्रोफोन को होल्ड करते हैं। और ये वाला है 3.5 mm TRS कनेक्टर और अभी ये है 3.5 mm TRS कनेक्टर जो कि कैमराज में कैमकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर्स में ये यूज़ किया जाता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस के लिए। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये है, पहले ही बताया गया है, ये है 3.5 mm ऑडियो जैकेट जो कि लेदर का है, बहुत सॉफ्ट है। तो फ्रेंड, आगे चल के देखते रहिए वीडियो।
चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं बॉक्स का अंदर और क्या क्या दिया गया है। ये है बुक, इंस्ट्रक्शन बुक, कैसे क्या माइक्रोफोन को सेटिंग करना है नहीं करना है और क्या है देखते हैं। ये है वारंटी कार्ड, ये है बोया का बुक, इसमें आपको पहले ही बताएं इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कैसे क्या माइक्रोफोन को कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स में बुक में दिया गया है, ये देख के हम लोग आज अपना माइक्रोफोन को सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लॉग करेंगे, वीडियो करेंगे, हम लोग इस माइक्रोफोन से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, सब इंस्ट्रक्शन डिटेल्स इस पर दिया गया है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पे और बोया का स्टिकर दिया हुआ है दो बॉक्स के अंदर। तो चलिए मेरा और एक स्मार्टफोन था जो सोनी का है, उसमें सेट करके आप लोग को दिखा रहे हैं माइक्रोफोन को कैसे सेटिंग किया जाता है, शॉक माउंट पे कैसे माइक्रोफोन पे सेट किया गया और आप लोग को और स्टैंड ट्राईपॉड में आपको इसको सेट करना पड़ेगा जो स्क्रू है, और आप लोग को दिखा रहे हैं स्मार्टफोन में जो कि पहले बताया गया है 3.5 mm TRS कनेक्टर एक है। ये स्मार्टफोन में टैबलेट में और माइक में ये कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए देखते रहिए कैसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं 3.5 mm TRS कनेक्टर कैसे सेट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये सेट किया गया है, तो आगे चल के वीडियो पे आप लोग को दिखाया जाएगा कैसे क्या सेट करना है कहाँ से। और ये वाला कनेक्टर है 3.5 mm TRS कनेक्टर। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये माइक्रोफोन से ही पूरा ऑडियो रिकॉर्डेड किया गया है, तो ये वाला रिकॉर्डिंग ऑडियो कैसे लग रहा है आप लोग हम लोग का संग एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हम लोग भी आप लोग का संग और आगे चल के आप लोग को टेक्निकल गैजेट ये सब का एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं स्मार्टफोन का साथ माइक्रोफोन को कैसे कनेक्ट किया गया है कनेक्टर का साथ। तो फ्रेंड ये माइक्रोफोन यूज़ करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाके ओपन कैमरा बोल के एक ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। तो ओपन कैमरा ऐप जब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इंस्टॉल होने तक। तो हम लोग का ऐप इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ओपन में आप क्लिक कीजिए, फिर वाइल यूजिंग द ऐप उस पर क्लिक कीजिए, फिर ओके बटन पे क्लिक कीजिए, फिर कॉर्नर में सेटिंग बटन पे क्लिक कीजिए। तो आप जाइएगा वीडियो सेटिंग ऑप्शन पे, तो वीडियो सेटिंग ऑप्शन को क्लिक करके आप जाइएगा
ऑडियो सोर्स ऑप्शन पे, वहाँ पे एक्सटर्नल माइक ऑप्शन क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग का वीडियो में बने रहिए, हम लोग का चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।